पूर्वांचल विद्युत वितरण को यूपी सरकार द्वारा विघटन कर निजी हाथों में सौंपने के फैसले के खिलाफ बिजली कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। ओबरा अनंतपुरा बिजली घर से लेकर पीसीएल के कर्मचारियों ने 3 घंटे का कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर सरकार के निजीकरण नीति का जमकर विरोध करते हुए सभा किया। सभा में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर निजीकरण का फैसला तत्काल वापस लेने की मांग की। बिजली संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष ई शैलेंद्र दुबे भी सोनभद्र पहुंचकर आंदोलन में शामिल हुए। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को सरकार द्वारा निजी हाथों में सौंपने का विरोध विद्युत कर्मचारी अगस्त से ही कर रहे हैं। विद्युत कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ 3 घंटे कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जता रहे हैं। विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के गलत नीतियों से किसान के साथ साथ आम जनता को बिजली महंगे दर पर मिलेगी। विद्युत कर्मचारियों के आंदोलन को तेज धार देने के लिए सोनभद्र पहुंचे ई शैलेंद्र दुबे का कहना है कि सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण को निजी हाथों में फैसले का हम सभी विरोध कर रहे हैं। निजीकरण हो जाने से किसान से लेकर आम जनता को बिजली दर महंगी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के विघटन का और निजीकरण का फैसला लिया है। बिजली कर्मचारियों में इससे गुस्सा है क्योंकि विघटन और निजीकरण के निर्णय उत्तर प्रदेश के लिए नए नहीं हैं। यह निर्णय पहले भी लिए गए हैं और विफल हुए हैं। वर्ष 2000 में जब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन घाटे के नाम पर किया गया था तब 77 करोड़ रुपए का सालाना घाटा था। आज सरकार की गलत नीतियों के चलते यह घाटा 95,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो जो विफल प्रयोग है, उड़ीसा में विफल हुआ, आगरा में विफल हुआ, ग्रेटर नोएडा में विफल हुआ, उसी प्रयोग को यहाँ पर थोपा जा रहा है। सरकार की निजीकरण की जो नीति है, जो अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने हम लोगों को बताया है, 35 साल के लिए कौड़ियों के दाम निम्नतम लागत पर अरबों खरबों रुपए की परिसंपत्तियाँ निजी घरानों को दे दी जाएंगी। और एक बार निजी घरानों को ये दी गई तो निजी घराना तो मुनाफा के लिए काम करता है। हम घाटा उठा के किसानों को, बीपीएल को, 300-400 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को घाटा उठा के बिजली देते हैं, लेकिन निजी कंपनी मुनाफे के लिए काम करती है। निजी कंपनी आ गई तो 9-9.5 रुपये 10 रुपये से कम की बिजली किसी को नहीं मिलेगी। तो यह आम जनता के हित में नहीं है, उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। स्पॉट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।